दूसरे चरण के मतदान के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद भाजपा के लोग डिप्रेशन में हैं। जनता कह रही है कि मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है और नौकरी मिलना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि 400 फिल्म पहले चरण में ही फ्लॉप हो गई, दूसरे चरण में तो फिल्म चली ही नहीं। बता दें कि दूसरे चरण में 63.50% वोटिंग हुई। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ था। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही। और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई रोजगार गरीबी किसान महंगाई इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? वो केवल समाज में जहर बोना यही उनका काम है। अब देश की जनता पहचान चुकी है, 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी? एक बार भी अब सेकेंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए? हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का, फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया, सेकेंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। तो डिप्रेशन में है पूरी भाजपा,